हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी बज रहे हैं दिन के 4 और शाम हो चुकी है। मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं कहीं गई नहीं थी। वैसे जाने का प्लान तो था हमारा कहीं घूमने के लिए, लेकिन मैं कहीं गई नहीं। कोई नहीं, और अभी हम जा रहे हैं। तभी उठ के थोड़ा सा हम आगे तक घूमने का सोच रहे हैं, तो हम घूमने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है पिथौरागढ़ में। और हल्द्वानी में तो फिर भी अभी आजकल तो ठीक ही हो रहा है ना अब, लेकिन पिथौरागढ़ में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो कोई नहीं, और मैं अभी हूँ ऊपर। मैं लेटी हुई थी अभी बिस्तर में, तो मेरी दोस्त है नीचे गई है अभी जस्ट। और अब थोड़ी देर में चाय पाय पीते हैं, फिर उसके बाद हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। देखते हैं कहाँ तक का जाते हैं। अभी एक दो दोस्त और आ रहे हैं मेरे, फिर उसके बाद हम चलते हैं। तब मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय। चौमू बाबा मंदिर, चौमू बाबा का मंदिर पिथौरागढ़ वालों को तो पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। और लोगों को नहीं पता होगा। सो हेलो गाइस, हम लोग चल दिए हैं घूमने भाई के साथ अपने, और इधर बहुत ठंडा हो रहा है। और पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, मुझे तो कुछ भी नहीं पता पिथौरागढ़ का। मनाकोट क्षेत्र, गुरुनाथ मंदिर है वैसे बिलाल घाट के नाम से मंदिर भी पड़ता है। जय माता दी। और आगे फिर थोड़े आगे पे डैम है, और हम जाएंगे डैम के। क्यों बड़ा लुगा डैम बोट भी रखी है, हम जाएंगे अभी डैम के अंदर। डैम के अंदर वो ले जाने वाले भी होते हैं क्या? सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं डैम, और यहाँ पे वोट कुछ नहीं चलता। बहुत टाइम से जाम हो रखे हैं इधर, लगा रखे हैं। और मुझे इधर का कुछ नहीं पता, ज़्यादा आइडिया कुछ नहीं है। मैं तो भाई के साथ ऐसी आ गई थी घूमते, तो हम इतनी दूर पहुंच गए हैं। और अब जाएंगे हम सीधे, अब हम कहाँ को जाएंगे? घर को। अब हम जाएंगे घर को। खाना वाना भी खा रहा है ब्रो ने, मैंने तो खा लिया। मैं तो खा के आई हूँ। तो गाइस, अब चलते हैं हम घर को, और बाकी दिखाते हैं हम शाम को कि हम कहाँ जाते हैं। अभी तो हम इतना ही डैम तक आए थे, क्योंकि आगे को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो हम शाम को आएंगे, तो शाम को दिखाएंगे आपको कुछ चीज़ें। तो क्या बाय, मिलते हैं घर जाके। तो इधर का मैं आपको आंगनबाड़ी दिखाती हूँ, स्कूल। इधर ही घर देख सकते हो आप, प्यारा घर है।
दोस्त सोई पड़ी है, देखो। और हम बैठ के अखरोट खाएंगे अब। दोस्त तो सो गई मेरी, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक हम खा लेते हैं अखरोट। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं कौन से खेत, झोला खेत। सो गाइस हम जा रहे हैं झोला खेत, झोला झोला लोगों के साथ। दो दो झोला लोग हैं मेरे साथ झोला खेत जाने के लिए। तीसरी मैं हो गई झोला खेत। ऐसे चप्पल बना रहे हैं मुझे दीक्षा ने, क्या बताऊँ, दिखा भी नहीं सकती हूँ। अगर मैं पहनूंगी, अगर मैं गिर भी सकती हूँ मतलब ऐसे चप्पलों से, क्योंकि वो हील्स है थोड़ी थोड़ी। और मेरे को तो है, कुछ भी नहीं है वैसे। और मुझे चलने का बिल्कुल सबूत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब मैं अपने चप्पल दे देती अगर आप तोड़ोगे नहीं तो, लास्ट स्टेज में ना। नहीं नहीं, ये मेरे एक अच्छे चप्पल तोड़ के आई है गाइस, मैं आपको पहले बता दूं। हाँ वो भी वही वाले चप्पल थे, वो अच्छे थे बिल्कुल। वो चप्पल हवाई चप्पल पहना रखे थे, इसलिए मुझे हवाई चप्पल पहना रखे थे। तो अभी मेरे को आंटी की चप्पल पहना के लेके आई है। पर कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं। ये काय का पेड़ है और उसका ये है मेल, मेल का पेड़। कितनी देर लगी तुझे मेल बोलने में, मेल तो पूरा लेना है। आगे का दिखाते हैं हम आपको। ये गई सा चुकी है रोड, थोड़ी थोड़ी करके मेरे ये जा रही है छपरी। आगे रोड थोड़ा करके मेरे बाल खोल दे, खोल देना थोड़ी देर करके। प्रणाम, सो गाइस ये है यहाँ की दुकान। दो दुकान है यहाँ पे, एक ही इंसान की दुकान, एक ही इंसान की दो दुकान। वो इंसान वहाँ बैठे है, यहाँ सब्जी भी रखी हुई है इन्होंने। तमाम चीजें रखी हुई है इन्होंने, मेहंदी वेहंदी। तू है झोला छाप, मेरे को अभी पता चला, अब तोड़ो मत। और हमने गए चिप्स, और हमने तमाम दीक्षा को धूप दिया आज, बहुत खतरनाक धूप दिया। ऐ दी मेरे को एक कुरकुरा दो पहले मेरा, फिर आगे। कि खाने की है बस प्रधान, लगने का कुछ नहीं है इसमें। झोला छाप कुछ ऐसा है इधर, यहाँ बहुत झोला खेत। हाँ वही जो आप समझ जाओ, झोला छाप झोला खेत। इधर कोई स्टेडियम है, वहाँ पे वॉलीबॉल फुटबॉल खेला जाता है, मैच होता है बहुत तगड़ा। अभी हम वही जाके आपको अच्छे से दिखाएंगे। हाँ दिन में वही। और वो वाली रोड किसकी है, वो कुसेरी, वो कुसेरी गुसेरी की रोड है, आजकल नई नई बनी है। और सोनपट्टी साइड की, सोनपट्टी साइड की है ये। आज पहली बार तो खुद आ रही है, ये क्या बताएगी। खुद बता रही है, देखो। और आज वैसे मैं पहली बार तो नहीं, मैं पहले भी आई हुई हूँ, लेकिन मैं घबरा जाती हूँ थोड़ा थोड़ा। कभी कभी इसके दिमाग से उड़ जाता है गाइस। मेरे चप्पल देख सकते हो गाइस आप, इसके भी दिखा गाइस चप्पल, आप भी दिखा, आप भी दिखा गाइस, मेरे भी देखो यार गाइस, ये लो। बस गाइस बस, इतनी खतरनाक चुको ना यार, थोड़ा थोड़ा मेरे को फास्ट चलने दो ना, पूरे पूरे नहीं आ रहे हो आप लोग। नहीं पूरे नहीं आए, कोई बात नहीं। वैसे हम झोला छाप जैसे लग रहे हैं, जैसे झोला छाप यहाँ का नाम है, वैसे हमारा, हम भी झोला छाप लग रहे हैं। वो झोला खेत है, फिर आप वो झोला छाप। तो वैसे ये तो झोला छाप ही है पूरी की पूरी, इसकी शादी होने वाली है अब। और ये कहाँ से लग रही है, 10 फरवरी मेरा बर्थडे भी दे दी उस दिन, मुझे इतना काम करा रहे हैं। गिफ्ट लेके आना मेरे लिए, और ये और से बोलना तो सीख ले। गाइस तो बोलना तक नहीं आता है, उड़ू करती है, मेरे बाल खराब कर दिए गाइस। आपको मैं बताती हूं, खली गाइस गाइस हो रही है, कि बाल मैं कर रही हूं, मैंने आई है तब सोई है, ऐसा नहीं कि काम करूं दूसरों के घर में आगे, क्या मेहमानों से वो कराई जाती है सेवा, भगवान होते मतलब तुझे, तभी तो गाइस मैं उसको जानती हूँ 5-6 साल से, लेकिन अभी तक ऐसी की ऐसी है, अभी तक मुझे मेहमान नहीं कहती है ये, भगवान नहीं कहती है, अभी तक ये मुझे मेहमान नहीं कहती है। जो कि भगवान स्वरूप एक देवी हूँ, देवी स्वरूप एक भगवान हूँ, कालिका देवी, कालिका।
और गाइस देख सकते आप, ये कितना भी खाए कितना भी खाए इस पे कुछ लगता है नहीं। ये सारे जो भी दिख रहे हैं ये सब कपड़े हैं इसके, नहीं गाइस ये सब कपड़े पहने हुए हैं, एक और दो ही पहने, एक और दो ही पहने गाइस ये झूठ बोल दिया, ये बहुत सारे कपड़े पहने इसलिए मोटी मोटी दिख जाती है, नहीं तो ऐसी है एक गाइस एक गाइस इस शादी में जरूर आइएगा आप, हल्द्वानी में इसकी शादी है, कौन सी बैंक का नाम भी बता दो जल्दी जल्दी आएगी, खाना खाने के लिए पक्का आ रहा है, क्या नहीं आ रहा अगले ब्लॉग में बताऊंगी क्योंकि मुझे खुद ही पता नहीं गाइस की शादी है, ये श्योर नहीं है उसी से कि इसकी शादी सच में होने वाली है, शादी सच में है लेकिन किससे है ये पता नहीं है, किससे है वो भी पता है बेइज्जत लोगों की भी क्या बेइज्जती है, थोड़ा बहुत शर्म आ रही है, अब क्या कह रहे हैं व्लॉग में तो मत करो बोल देना एक बार प्लीज माना कि गाइस देखो दूसरा स्टार्ट हो गया है अभी से, गाइस मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया जो मैं ये खा, जितना आपको पता है तो गाइस आप देख सकते हैं क्या क्या लिख रखा है इसमें, ये वहाँ का है वो मंदिर है कामाक्षी मंदिर ऊपर कामाक्षा, हाँ ये देखो भी कैलाश आश्रम और कामाक्षा मंदिर इस साइड से ऊपर को जाते हैं, कामाक्षा कामाक्षा ये देख सकते हैं हम यहाँ पहुँच गए झोला घाट के झोला खेत के फील्ड में, और इधर छोटे छोटे लिटिल 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 चाइल्ड फोर गेम खेलते हुए, और ये यहाँ पे वो है बताओ जिम कहाँ है, जिम जिम है थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा हूँ तो जिम भर जिम को छोटा मोटा जिम है यहाँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो आप यहाँ, ज्यादा नहीं कर सकते हो, ज्यादा तुम करोगे तो इस फील्ड में लोट पैर खेल दिया देख सकते हो आप छोटे छोटे बच्चों को ऐसे सतानी। सो गाइस हम नीचे तो आ चुके हैं और इधर बहुत ठंडा हो रहा है, सच में हवा चल रही है तो बहुत ज्यादा ठंडा ठंडी हवा आ रही है बहुत खतरनाक, और क्या बोल सकती हूँ मैं, खैर मुझे इस यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ये इन दोनों को पता है, ये दोनों बोलते हैं नहीं शर्माते हैं बहुत ज़्यादा तो हम और उनका खाने में भी ध्यान है, और ये देख सकते हैं आप ये छुप रही है फिलहाल, और हम यहाँ जाएँ प्रवेश करें ऊपर 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 से देखें प्रवेश करेंगे हम, हाँ तो अभी हम स्टेडियम थोड़ी देर में जाएंगे खेलने के लिए, हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वैसे हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वैसे नहीं चल पाएंगे, पर किस चीज़ के खिलाड़ी हैं पता नहीं है मुझे, अब मैं आपको बैग का दिखाती हूँ, हमारे फेस तो आप रोज ही देखते हैं, खैर चम्बू बाबा यार इतनी दूर नहीं जाते, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, मेरे सर में दर्द होगी, कुछ अच्छा होगा इस इन्होंने मुझे बहुत दूर पहुंचा, देख सकते हैं कुरकुर। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ के सीढ़ीदार खेत, ये सारे के सारे इतने सारे खेत हैं इधर देखो, और सारे के सारे लाइन से ही हैं, मतलब सीढ़ीदार खेत ही हैं वैसे तो देखो कितना सुंदर है इधर, मतलब कभी घूमने का मौका मिले तो पिथौरागढ़ ज़रूर आना, क्योंकि पिथौरागढ़ में बहुत ज़्यादा घूमने की जगह है और बहुत प्यारी प्यारी जगह है पिथौरागढ़ में घूमने की, और आप इन दोनों को देख सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप इनसे कुछ, गाइस आप देख सकते हैं इधर मैं थोड़ी दूसरी साइड आ गई, यहाँ से पता नहीं कौन से गांव को रास्ता जाता है मुझे नहीं पता, बट यहाँ उस साइड को भी रोड है, इधर से इधर को भी रोड है, मतलब जिसके पास गाड़ी है तो वो अच्छे से इधर उधर घूम सकता है अच्छे से बहुत प्यार से, और इन दोनों का देखो एक बीआर के ब्लॉगर उनको यहाँ दिखाना था रहती वही दिखा रही है मैं राइडर बन चुकी हूँ गाइस, गई है नीचे खेत ये है राइडर गौर से देखो से यही कांटे में घुल गई सो गाइस हम चलते हैं अब घर को, बहुत ठंडा हो चुका है बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग चलते हैं घर को और मिलते हैं हमको कल को, आज की व्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।